हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र पोस्ट को लेकर, और जानेंगे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की जो पोस्ट है वो किस तरह की पोस्ट है, इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, किस तरह की जॉब है, किस तरह का जॉब प्रोफाइल है, इसका प्रमोशन किस तरह से होता है, सबसे बड़ी बात इसका वर्क क्या है, क्या काम करता है, प्रमोशन किस तरह से है, सैलरी कितनी मिलती है और कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा आपको। सबसे बड़ी बात, क्या इस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, अगर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो क्यों करना है, नहीं करना तो क्यों नहीं करना, सब देखेंगे इस वीडियो में। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो पोस्ट है आरआरबी की तरफ से एक एनटीपीसी के थ्रू ली जाने वाली पोस्ट है। आपको मालूम है 2024 के अंदर एनटीपीसी की पोस्ट आई है, जिसके अंदर ये पहली बार ये पोस्ट दी गई है, जहाँ पर आप देख सकते हो थर्ड नंबर पर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की पोस्ट निकली है। ये एक नॉन सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है, जिसमें आपको 1737 पोस्टें मिली हैं 2024 के अंदर। इसको एग्ज़ाम कौन दे सकता है, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कौन कर सकता है, वह बात करते हैं। तो ये जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये केवल ग्रेजुएशन वाले ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 12th वाले इस एग्ज़ाम पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखिए, आपने ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में किया हो, बस आपने ग्रेजुएशन किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, वह आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे, लेकिन 12th लेवल वाले इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। ठीक है, अगर 12th वाले को देना है तो ये कमर्शियल कम टिकट क्लर्क दे सकते हो, फिर उसके प्रमोशन होने के बाद काफ़ी दिनों बाद आप चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के पोस्ट पर पहुंचते हो। तो हम बात कर रहे हैं इसकी, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, प्रमोशन किस तरह से है, किस तरह का वर्क है। तो देखिए, इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस, भर्ती प्रक्रिया किस तरह से होती है। जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र हैं का नाम, जो इस पोस्ट का नाम था, रेलवे के द्वारा 2018 में दिया गया था, और जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र थे, ये केवल प्रमोशन से ही बनते थे। इसका कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं था, सीधी भर्ती प्रक्रिया नहीं होती थी, इसका कोई एग्ज़ाम नहीं लगता था, केवल ये प्रमोशन से बनते थे। या आप एग्ज़ाम देकर, रेलवे के कर्मचारी हो तो एग्ज़ाम देकर ये बन सकते हैं। मतलब ये जो पोस्ट थी केवल रेलवे कर्मचारियों के लिए थी, कहने का मतलब है सामान्य स्टूडेंट के लिए नहीं थी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता था। सीसीटीसी मतलब चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र प्रमोशन से ही बनते थे, और सीनियर कमर्शियल कम टिकट जो थे वही इसको प्रमोट करके चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र बनते थे। अब बात करते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में, कि जॉब प्रोफाइल क्या है। तो ये जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र है, ये इसके अंदर तीन डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें आपकी पोस्टिंग दी जाती है, जिसमें होता है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, टिकट चेक इन डिपार्टमेंट और ईसीआरसी डिपार्टमेंट। जैसे आप मानो आप सीसीटीसीटीएस बन गए, मतलब चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, 2024 में आपको ये पोस्ट मिल चुकी है। ठीक है, इसके बाद आपकी जॉइनिंग होती है, तो ये नहीं कि आपकी जॉइनिंग इसमें होगी, इसमें होगी या इसमें होगी। तो देखिए, इस जैसे ही आपको ये पोस्ट मिल जाती है, तो इसके अंदर ये तीन डिपार्टमेंट होते हैं। तो सपोज़ कर आपको स्टार्टिंग में कॉमर्शियल डिपार्टमेंट मिला, तो आप हमेशा ज़िंदगी भर कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में नहीं रहोगे, 3 साल 5 साल बाद आपका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको टिकट चेकिंग डिपार्टमेंट मिल जाएगा, फिर उसके 3 या 5 साल बाद काम करोगे, उसके बाद आपको ईसीआरसी डिपार्टमेंट मिल जाएगा, एक फिर इसके बाद वापस आपको कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, फिर टिकट चेकिंग डिपार्टमेंट, फिर ईसीआरसी डिपार्टमेंट। तो इस तरह से आप ज़िंदगी भर इन तीन डिपार्टमेंट में घूमते रहोगे, और इन तीनों डिपार्टमेंट आपको वर्क एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, बल्कि आपको जॉब करने का मज़ा आएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट जैसे जैसे चेंज होते हैं 5 साल में 6 साल में 7 साल में, तो आपको एक अलग सा ही ऐसा लगता है कि एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, आपको मज़ा आता है हर डिपार्टमेंट जाने। लेकिन बात करें सबसे अच्छा डिपार्टमेंट, इसमें सेकंड नंबर का टिकट चेकिंग डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, सबसे अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है। इसमें कई डिपार्टमेंट और भी हैं, जैसे लगेज वाला है, पार्सल वाला है, इस तरह के होते हैं, वो आपको आगे बताऊँगा।
कॉमन डिपार्टमेंट ये होते हैं, इसके अंदर ये काम होते हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप चेंज होते रहोगे, ज़िंदगी भर एक में नहीं रहोगे, तीनों में आपका इस तरह से डिपार्टमेंट में प्रमोट ट्रांसफ़र होता रहेगा, लेकिन जोन आपका वही रहेगा जिसमें आपने अप्लाई किया है। ऐसा नहीं कि आपको ट्रांसफ़र करके वहाँ भेज दिया जाएगा, ऐसे नहीं, बस डिपार्टमेंट ही चेंज होगा। साथ ही साथ चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की पद स्थान इन तीनों विभागों में किसी एक विभाग में हो सकती है। यदि CCTS की पदस्थापना या टिकट चेकिंग डिपार्टमेंट होगी तो डिप्टी CTI मतलब डिप्टी चीफ टिकट इंस्पेक्टर का कार्यभार संभालेगा। यदि CCTS की पदस्थापना कॉमर्शियल डिपार्टमेंट होगी तो चीफ बुकिंग पार्सल गुड्स क्लर्क कार्य में करेगा। यदि CCTC का ERC डिपार्टमेंट होगा तो रिजर्वेशन में करेगा। तो कहने का मतलब यह है, आप देख लीजिए तीनों डिपार्टमेंट के बारे में बताता हूँ। जैसे आपका मैंने बोला सबसे डिपार्टमेंट टिकट चेकिंग डिपार्टमेंट होगा, अगर इसमें आपकी पोस्टिंग होती है तो डिप्टी CTI इंस्पेक्टर होता है, इस नाम पोस्ट से आप काम करोगे। यदि आपकी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में होगा तो आप देखिए बुकिंग करोगे, पार्सल करोगे, गुड्स क्लर्क का कार्य करोगे। थर्ड नंबर पर है, अगर आप ECRC डिपार्टमेंट में आपकी जॉइनिंग होती है तो वह रिजर्वेशन सुपरवाइज़र के रूप में काम करता है। रिजर्वेशन का मतलब समझते हो, आप टिकट बुक कराने जाते हो रिजर्वेशन का, तो सबसे कम काम रिजर्वेशन में होता है। रिजर्वेशन क्यों होता है, क्योंकि संडे का इसका ऑफ होता है, मॉर्निंग और नाइट में इसकी, इवनिंग और मॉर्निंग में इसकी ड्यूटी होती है, क्योंकि इवनिंग और मॉर्निंग में ही रिजर्वेशन का काम चलता है, ना कि पूरे दिन। सबसे बेस्ट काम के मामले में ECRC डिपार्टमेंट है, अगर आपको काम ज़्यादा नहीं चाहिए तो। वैसे आपको अगर रुतबा चाहिए तो टिकट चेकिंग डिपार्टमेंट है, और इसमें भी अलग अलग काम दिया जाता है। जैसे इसमें देखिए कमर्शियल डिपार्टमेंट में इसको बुकिंग का दे दिया जाता है, पार्सल का दे दिया जाता है, गुड्स का दे दिया जाता है। इस तरह से आपको डिपार्टमेंट चेंज होते रहते हैं, तो मिलेगा आपको तीनों में मौका। अब बात करते हैं प्रमोशंस के बारे में, प्रमोशन किस तरह से होता है। तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का प्रमोशन रेलवे के गाइडलाइन के अनुसार होता है, जो कि 8 से 14 साल इसमें आपको लग जाते हैं। एक चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र जो होता है 8 से 14 साल के अंदर एक कमर्शियल सुपरिटेंडेंट का रूप में पद ग्रहण करता है। तो कहने का मतलब है, इसका जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र है 8 साल भी हो सकते हैं, मिनिमम 8 साल हैं, मैक्सिमम 14 साल में प्रमोशन हो जाता है, और ये कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट का पदभार ग्रहण कर लेता है। तो देखिए इसके प्रमोशन को थोड़ा चार्ट के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपको मालूम है जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र में आपकी जॉइनिंग होती है 2024 के अंदर, जो कि 42 ग्रेड पेपर है, इसके बाद आप 8 साल में CS बन जाते हो, जो कि 4600 ग्रेड पर है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पहुँचोगे उसके बाद प्रमोशन आपका नहीं होगा। इसके लिए ACM जाने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, एग्ज़ाम देने के बाद इंटरव्यू होगा, एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद आपको ACM की पोस्ट मिलती है, जो कि 4800 ग्रेड पर है। उसके बाद फिर प्रमोशन होता है, 5 साल में DCM बन जाते हो 5400 ग्रेड पर, और उसके बाद सीनियर DCM जो कि 6600 ग्रेड पर है। देखिए चीफ कमर्शियल कम टिकट के बाद आपका प्रमोशन हुआ CS के रूप में 8 साल में, 8 से 14 साल में, फिर उसके बाद आपने एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू दिया, उसके बाद ACM, DCM और सीनियर DCM बने, क्योंकि ये जो पोस्ट हैं ये हैं, ये UPSC के थ्रू निकलती हैं, और UPSC के थ्रू इसको ये पोस्ट ली जाती हैं, क्योंकि ACM भी आपको UPSC का एग्ज़ाम देने के बाद मिलती है, DCM भी आप UPSC का एग्ज़ाम देने के बाद मिलती है, और सीनियर DCM भी आप UPSC का एग्ज़ाम दोगे जब बनोगे। तो इस तरह से ये पोस्ट जो हैं UPSC की है। लेकिन आप चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर बनने के बाद, CS बनने के बाद आप UPSC ग्रेड पर जा सकते हो, वो पोस्ट ले सकते हो जो कि UPSC से आप बनना चाहते थे। अब बात करते हैं इसकी सैलरी प्रोसेस की। तो आपको बताया है मैंने 4200 ग्रेड की है, लेवल 6 की पोस्ट है, जिसमें आपको बेसिक पे मिलता है 35400, रिलायंस मिलते हैं 17700, इसमें XCT, YCT और ZCT, जिसमें आपको XCT में 10260, YCT में 7080 और ZCT 3540 रुपये। लेकिन इस पोस्ट पर आपको एक बात बता दूं, अगर आपका टिकट चेकिंग में मिल जाता है, कॉमर्शियल में मिल जाता है, यदि
आरसीएम से मिलता है, तो ये एक्सीटी ही होती हैं, नहीं ये एक्सीटी ही होती हैं, अच्छी सीटी में ही इसका काम होता है। पहली बात, ये बहुत ही रेयरली होता है, 90% आपको अच्छी सीटी मिलेगी एक्सीटी ही मिलेगी, वाई और जेड सीटी बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको वाई सीटी मिल सकती है, लेकिन जेड सीटी इसको ना के बराबर मिलती है। तो आप टेंशन फ्री रहिए, इसको आपको एक्सीटी ही मिलती है, क्योंकि ये पोस्ट ऐसी है जिसको एक्सीटी में ही करना होता है। तो जॉब प्रोफाइल बहुत शानदार है, बहुत अच्छा जॉब है। बात करते हैं आगे सैलरी के बारे में। तो देखिए, मैंने अपना ट्रैक चेंज कर दिया था, अभी दूसरी चीज़ बताने लग गया था सैलरी बताते बताते। तो इस तरह से एक्स वाई जेड सिटी होती है। तो हम बात करते हैं, इनसे कोई हमको मतलब नहीं है, ये सब कुछ आप देख लेना। बात करते हैं इसकी नेट सैलरी कितनी होती है। तो देखिए, एक्स सिटी में आपका जॉइनिंग होती है तो आपकी 63,810 रुपये, वाई सिटी में आपका 57,570 रुपये, और जेड सिटी में 54,030 रुपये आपको इन हैंड सैलरी मिलती है। ये मिनिमम है, अलाउंस एक्स्ट्रा ड्यूटी करके आप को और ज़्यादा ये सैलरी बढ़ जाती है। तो आप देख लीजिए आराम से, यह है आपकी सैलरी मिलेगी, बल्कि ये इतनी मिनिमम है। अगर आप एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हो, नाइट ड्यूटी, या फिर जैसे टिकट पर आप लग गए हो, अगर टाइम ज़्यादा हो गया है या एक्स्ट्रा ड्यूटी होगी, तो आपका अनाउंस मिल जाता है और आपको सैलरी बढ़ती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें फैसिलिटी क्या क्या मिलती है। तो रेलवे क्वार्टर मिल जाता है, 3 टाइप्स का क्वार्टर होते हैं। हॉस्पिटल मिलता है, रेलवे ग्राउंड मिलता है, चाइल्ड एजुकेशन मिलती है, पेपर मिलता है, पीटीओ मिलता है, स्कूल कॉलेज पास चिल्ड्रन, दिवाली बोनस मिलता है, जिसमें आपको 78 दिनों का सैलरी 17,951 रुपये के समथिंग मिलता है। और आपको हर फैसिलिटी मिलती है जो कि एक रेलवे की तरफ से मिलती है, बल्कि इस पोस्ट पर आपको रेलवे की तरफ से मिलने वाली पोस्ट से ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट और एक ब्राइट फ्यूचर के लिए ले जाते हुए नज़र आती है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो फीमेल के लिए कैसी पोस्ट है, तो एक रेस्पेक्टफुल जॉब होती है, बहुत ज़्यादा सेफ पोस्ट है। आपको नियर, बिल्कुल आपके घर के आसपास ही जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे मिल जाएगी। अच्छी पोस्ट है, एक्स वाई सिटी में आपकी पोस्टिंग होती है, प्रमोशन अच्छे हो जाते हैं। फीमेल इसमें अप्लाई करें, जरूर से ज़रूर करें। अब बात करते हैं इस पोस्ट को लेना चाहिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, ये जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की पोस्ट है, ये पहली बार निकली है, जो कि 4200 ग्रेड की है, 6 लेवल की। बहुत अच्छी सैलरी है इसकी, मैंने आपको बता दिया है एक्सीटी वाई सिटी जेड सिटी में कितनी मिलेगी, बल्कि ये मिनिमम सैलरी बताई है जो कि बढ़कर आपको मिलेगी। तो इसके लिए अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है ग्रेजुएशन वालों के लिए, जिन्होंने बीए किया है, बीसीए किया है उनके लिए, क्योंकि इसमें अच्छा रेपुटेशन है, रेस्पेक्टफुल है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए बता रहा हूँ, कहीं फीमेल समझे, रेस्पेक्टफुल प्रोफ सब कुछ इसमें, ये सब कुछ है, बहुत अच्छी पोस्ट है, आपको ये अप्लाई करनी चाहिए। बाकी मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल सही बात बताऊं, आप तैयारी कीजिए एनटीपीसी की, कोई सी पोस्ट मिले अच्छा होता है, लेकिन बेस्ट पोस्ट मिलना एक भाग्य की बात है, जो आप पोस्ट चाहते हो वो आपको मिल जाए बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है बेरोज़गारी को मिटाना, क्योंकि ज़्यादा अगर एग्ज़ाम देते हैं बेरोज़गार स्टूडेंट, जिनके पास कोई भी जॉब नहीं है वही एग्ज़ाम देते हैं, बल्कि डिपार्टमेंट वाले डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम देके बन जाते हैं, आपको मालूम है। बाकी सबसे बड़ी बात है अपनी बेरोज़गारी को मिटाना, अब कोई पोस्ट लेकर एक सेटल ज़िंदगी जीना, ताकि आपको बेरोज़गारी का जो बोझ है वो मिट सके। बाकी पोस्ट सबसे अच्छी बेस्ट पोस्ट सारी होती हैं, लेकिन उन सभी पोस्टों में सबसे अच्छी पोस्ट ये है, इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले आपको मालूम है 2019 में एक कॉमर्शियल अप्रेंटिस निकली थी, ये पोस्ट भी सबसे अच्छी थी, लेकिन इस बार ये नहीं निकली है, क्योंकि इनका आगे वाले वीडियो में बताऊंगा क्या हुआ, किसमें मर्ज कर दिया गया, किसमें इसको डाल दिया गया। तो ये भी, ये पोस्ट और ये पोस्ट एक ही है, इनमें आगे मैं बताऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बाकी पोस्ट सारी अच्छी होती हैं, बस आपको जॉब चाहिए, जॉब लीजिए। रेलवे में जॉब करना बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अप्लाई होते हैं, बहुत लड़कों में आप अकेले छटते हो, जो कि अब गर्व की बात है। बाकी जॉब के लिए तैयारी करनी पड़ रही है, तैयारी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और मोटिवेशन वीडियो मिलती रहे और प्रोफाइल
जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा अलग अलग पोस्ट के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।